है तो किचन को ना ज़्यादा दिखाते हुए, बहुत ज़्यादा मैस है। अभी प्रिंस इसी को डीप कर रहा है आज। चाल 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 चटा चाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मॉर्निंग का टाइम है। अच्छे आज मैं सुबह सुबह टाइम से उठ गई हूँ और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और मज़ा आ रहा है। इस वक्त मैं बना रही हूँ पोहा और कल भी मैंने डिनर तैयार किया था सबके लिए। इट वॉज आई एम श्योर सबने मेरी तारीफ तो की है बट इट वॉज नॉट दैट यमी। इमोशनल डैम इट वाज ओके ओके। सो कल मैंने बनाई थी अरवी डिनर में एंड बेचारे मम्मा मेरी तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छी बनी है। जब मैंने खुद खाया मैंने कहा हाय तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। ओके ओके, इट्स नॉट दैट गुड जितनी आप मेरी तारीफ कर रहे हो बट इट्स सो स्वीट ऑफ देम। इस वक्त दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं। मैं उठ गई थी 5 बजे लेकिन वेट कर रही थी थोड़ा और डिले हो तो फिर मैं राइट टाइम पे ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो इस वक्त मैं बना रही हूँ पोहा एंड चलिए मैंने बहुत सारा मैस किया हुआ है तो किचन को ना ज़्यादा दिखाते हुए, बहुत ज़्यादा मैस है। मैं आपको मिलती हूँ जब पोहा बन जाएगा ब्रेकफास्ट के टाइम। चलिए पहले मैं बना लेती हूँ पोहा एंड फिर बैठ के करते हैं ढेर सारी बातें। गाइस मेरा पोहा हो गया तैयार एंड इट्स लुकिंग यमी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है मेरा पोहा एंड ये हूँ मैं। अब मैं करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट एंड वेटिंग फॉर मम्मा पापा। वो लोग गए हुए हैं बाहर सत्संग अटेंड करने के लिए। जब वो वापस आएंगे फिर उनको ब्रेकफास्ट कराऊंगी एंड पूछूंगी ब्रेकफास्ट मेरा कैसा लगा। तो चलिए टिल देन मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट और मिलती हूँ आपको कुछ टाइम बाद। आई नो मैंने आपको बोला था बहुत सारी बातें करूँगी बट मैम वेटिंग कि प्रिंस उठ जाए क्योंकि मेरी आज की फ़्लाइट है। कहाँ की फ़्लाइट है? 2-3 डेज़ मैंने व्लॉगिंग नहीं की है जब से मैं चंडीगढ़ आई हूँ। आई एम स्पेंडिंग गुड टाइम विद फैमिली, मामा पापा के साथ और वीडियो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। सो आज जाने का टाइम आ गया है तो आई थॉट मैं थोड़ा व्लॉगिंग कर ही लूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ एंड कहाँ जा रही हूँ। ये तो मैं आपको बताने वाली हूँ एक बार मेरी जर्नी शुरू हो जाए, रास्ते में बताऊँगी गाइज़। चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे कुछ। सो गाइज़ अब मेरा वक्त आ गया है निकलने का। मैंने कोई रिकॉर्डिंग की नहीं, कोई ब्लॉग नहीं बनाए चंडीगढ़ के बट अब मैं निकल रही हूँ। सुबह सुबह मम्मा चले गए थे सत्संग पे तब मैंने वीडियो बनाया था। चलो मम्मा, हमारा प्लान कहाँ का? खाना तो खाया नहीं, मैंने पोहा बना के खा लिया। मैंने कहा आपके लिए भी बना दूँ। नहीं बिल्कुल मन नहीं अम्मा, अब तो रूटीन पे आए ज़िंदगी तो एक्सरसाइज करना शुरू करूँ मैं। इस चलते हैं, मैं आपको मिलती हूँ सीधा एयरपोर्ट। So now you're here again knocking at my door. A little too late for me. ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्डिंग पे है गाइस। तो चलिए मैं निकाल रही हूं अपने पूड़े। इसने मुझे पूड़ा बना दिया है भाई। लाओ मैं पकड़ूं। गोल 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 चाल 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 जटा चाल। मैं कह रही हूं चाल जटा चाल, अब गोवा चल। तो गाइस अब मैं जा रही हूं गोवा। मन बिल्कुल नहीं है जाने का, इसने धक्के दिए हैं मुझे। मेरी टिकट करा दी है गोवा की। वो तो वो जब बताएंगे तब, पहले क्योंकि उसका 40 दिन पूरे हो रहे हैं ना बच्चे के उसके लिए। मैंने तो पटा लिया था उन्हें, मैंने कहा मैं नहीं आ रही तो कहता अब तो हो गया जा। चलिए गाइज मैं जा रही हूँ फिलहाल गोवा। गोवा की तैयारी की जा रही है क्योंकि हमारा जो छुटका है जो आया है लाइफ तो उसको हो गया है 1 मंथ पूरा। तो लेट्स गो एंड सेलिब्रेट। चलिए गाइज ये है हमारी लाल 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 चटनी पत्ती जो हाँ, बोलना लाल लाल परी बोल सकती हूँ। लाल रंगोली जो है प्रिंस की। अभी प्रिंस इसी को डेट कर रहा है आज। हाउ मेनी डेज लेट्स सी। जब उसका मन भर जाएगा तो ये लाल रंग चेंज करा देगा। और मिलते हैं सीधा एयरपोर्ट पे। चाल 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 चटा चाल। मैं निकल गई हूँ, मेरी सवारी निकल गई है आप लोगों के साथ में। और फिलहाल मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एयरपोर्ट पर देखूँगी काफ़ी सारी बातें करनी है आपसे लेकिन वो बातें करूँगी किस बारे में। पहले मैं देखूँगी अपना बिग बॉस क्योंकि मेरा छूट गया है। क्या चल रहा है, आउट ऑफ टच आउट ऑफ कनेक्शन हूँ एंड जब से मेरा ट्रैवल शुरू हुआ है तब से मुझे मेरा कोई कनेक्शन हो ही नहीं पा रहा है। मैं एक 2-2 एपिसोड करके देख रही हूँ। फिर करते हैं बातें, मज़ेदार बातें और आपके सवालों का जवाब भी हम देंगे। सो गाइज टाइम आ गया निकलने का। बाय मिस्टर नरूला, बाय, टेक केयर, बाय। आपने जो हमें फेंका है सीधा गोवा में। हम जाना चाहते थे बॉम्बे, आपने फेंक दिया गोवा में। मुझे याद नहीं, आपने अपने हिसाब से प्लान बनाया है। बट चलिए, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट मंथ। टेक केयर, याद रखना हम 26 तारीख को मिलेंगे। हाँ, बिकॉज यू वांट मी टू बी देयर नाउ। मैंने आपको सुना दिया ना, इसलिए ट्रैवल बड़ी। हाँ, वो तो मैं आऊँगी पूजा के लिए, घर पे आऊँगी, वो निकल जाऊँगी। बट यू कैरी ऑन योर प्लान, मिस्टर नरबुला। चलो बाय, मैं लेट हो गई। चलिए गाइस, मिलते हैं सीधा गोवा में। गोवा वहीं जाके बातें करेंगे। आज करने जा रही हूँ गोवा, हमने काम करने हैं। व्हाट बारिश का मजे लेने जा रही हो तुम, ऊपर से फिर भी सुना लो गोवा जा रहे हो। मेरे को गोवा का प्लान करवा दिया, वाह वाह वाह। तुम जो मजे अपना बॉम्बे पार्टी शार्टी अपना फुल ऑन फन वन। दो दिन चारे घर में मेरे लोग आए होंगे। हाँ, चलिए हम भी वॉच माई गोवा वीडियोस, गोवा रील्स। बाय। Many hours later. Guys, मैं पहुंच गई हूँ गोवा एंड आप देख सकते हैं कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है। मैं चंडीगढ़ के वॉशरूम से बात कर रही थी, अब मैं गोवा के वॉशरूम से बात कर रही हूँ। बिकॉज मैंने फोन चार्जिंग पे लगाया हुआ है और जहाँ मुझे पहुँचना है उसका एड्रेस मेरे फोन में ही है। बाहर मेरा लगेज में, सॉरी, मेरा लगेज में मेरा बैग, सॉरी, बेल्ट नंबर 5 पे मेरा जो लगेज है वो वेट कर रहा है। आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट, आई एम टायर्ड एंड या मैं पहुँच गई हूँ अब गोवा। प्रिंस पहुँच गया है बॉम्बे। दिस इज द प्लान जो प्रिंस ने बनाया था कि मैं गोवा जाऊँ और प्रिंस बॉम्बे जाए, बिकॉज प्रिंस को अपना चिल करना है। एनीवेज, सो मैं आ गई हूँ यहाँ पे और हैप्पीएस्ट न्यूज एज यू नो, वी हैव हॉलीडे हाउस नाउ एंड हम लोग मजे करने वाले हैं फैमिली के साथ। सो चलिए, बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ छुट्टी को देखने के लिए। सो आई एम सो हैप्पी, जस्ट बी विद मी एंड एन्जॉय माई जर्नी गाइज। चलिए, मैं घर की तरफ चलती हूँ, फिलहाल मेरा फोन चार्ज हो जाए। इस बार की फीलिंग बहुत अलग है बिकॉज यहाँ पूरी फैमिली यहाँ पे है एंड अपना घर यहाँ पे है। सो दिस टाइम गोवा विल बी डिफरेंट फॉर मी। अब शुरुआत हो गई है यादें बनाने की, मेमोरीज क्रिएट करने की, तो मज़ा आएगा। चलिए गाइज, अब मैं कर लेती हूँ फिलहाल तैयारी, अपने बैग को लेके चली। पता चली मेरा कोई बैग लेके चला गया। चलिए, ये देखिए यहाँ इतना फैला हुआ है। मैं आपको ऊपर का दिखाती हूँ बिकॉज यहाँ इतना ज्यादा फैला हुआ है, बहुत ही ज्यादा। सो गाइज, या मतलब इतना ज्यादा मैस है कि आपको क्या ही दिखाऊं। तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, ये है मेरा अब तक का सफर आप लोगों के साथ में। आपसे मैं मिलूंगी कल अपने नए ब्लॉग में। थोड़े अपने हालात भी ठीक करने से मैं भी मुझे भी प्रॉपर फ्रेश होना है एंड आई सी यू टुमारो इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।